देख सकते हैं आज लेके आए हैं पत्ता गोभी और आलू का सब्जी। तो देखिए हम लोग बना रहे हैं इस तरह से, और इसमें हम लोग देखिए पानी बहुत सारे निकल रहे हैं, ये भी देख सकते हैं। और इसको हम लोग बना रहे हैं, पत्ता गोभी की मात्रा बहुत अधिक हम लोग डाले हैं, आलू की मात्रा थोड़ी से कम डाले हैं। काहे कि हम लोग पत्ता गोभी का सब्ज़ी था, थोड़ा सा क्वान्टिटी कम हो रहा था, इसीलिए हम लोग इसमें पत्ता गोभी का सब्ज़ी थोड़ा ज़्यादा डाले हैं। और ये देखिए फ्रिज में हम बचा हुआ है कि नहीं वो भी देख लेते हैं। हम लोग पत्ता गोभी का सब्ज़ी देखिए और बचा हुआ है, एक पीस दो पीस बचा हुआ है पत्ता गोभी की सब्ज़ी, और सीम सब है ये देखिए, और बहुत सारे बचे हुए हैं। और इसको हम लोग बना रहे हैं। ये देखिए पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाने के लिए बहुत आसान तरीका है, सरसों का तेल आप डालें और उसमें थोड़ा सा गर्म करें, और उसके बाद जीरा मिर्चा चटना बनाने के लिए डाल सकते हैं। और उसके बाद आलू को अच्छी तरह से छोटे छोटे पीस के छील के अच्छी तरह से उसको छोटे छोटे पीस में काट लेते हैं, और पत्ता गोभी को भी अच्छे से काट लेते हैं, और उसके बाद उसको धो लेते हैं अच्छी तरह से। और इसके बाद धोने के बाद हम इसमें डालते हैं और इसको अच्छी तरह से पकाते हैं इस तरह से। और ये देखिए हम लोग हल्दी नमक डाले हुए हैं, सिर्फ हल्दी नमक डाले हुए हैं, और मसाले भी ऐड कर सकते हैं, हम लोग बिना मसाले का ही बना रहे हैं खाली हल्दी और नमक का। ये देख सकते हैं आप लोगों को कैसा दिख रहा होगा कलर, ये देखिए सिर्फ हल्दी और नमक का ही इस्तेमाल किए हैं, और जीरे का इस्तेमाल किए हैं, और जो हम लोग पका रहे हैं, और आलू अभी तक पका नहीं है ये देख सकते हैं। ये देखिए आलू आलू 70-50% पक गया है, और थोड़ा पकने के लिए थोड़ा समय लगेगा, इसीलिए हम लोग पहले अच्छी तरह इसको पकाते हैं और इसको बनाते हैं, और आप लोगों को कैसा लगता है ज़रूर बताएं। ये देखिए हम लोग, और ये पत्ता गोभी सब्ज़ी बनाए तो इसमें देखिएगा पानी ऑटोमेटिक ही निकलने लगता है बहुत सारे, कहे कि इसमें पानी भरा हुआ रहता है, जैसे धोइएगा तो उसमें पानी थोड़ा सा निकलता ही, आप कतनों ही निकाल कर रखिएगा तो पानी थोड़ा सा निकलता ही है। इसमें गर्म डालिएगा और ये गर्म होने लगता है तो ऑटोमेटिक पानी निकलने लगता है, और इसके इसी के साथ ढक दीजिएगा तो आलू भी इसके साथ पक जाता है। और इसके साथ हम लोग देखिए क्या क्या बनाए वो भी दिखा रहे हैं। इसके साथ हम लोग बनाए देखिए दाल, पूरा गर्मा गर्म दाल और चावल हम लोग बना कर रेडी कर चुके हैं, ये सब हम लोग अभी बना कर रेडी कर चुके हैं, दाल और चावल। और ये देखिए पत्ता गोभी का सब्ज़ी हम लोग बना रहे हैं, और इसको हम लोग अच्छी तरह से इसको पका रहे हैं, इसको हम लोग पूरा ढक दिए थे, और थोड़ा सा इसको भुंजिया टाइप का बनाएंगे, और इसीलिए हम इसको थोड़ा सा इसको भुंजिया टाइप का बनाएंगे, इसीलिए हम लोग थोड़ा सुखा रहे हैं इसको अच्छी तरह से। और आप लोगों को पत्ता को भी कैसा लगता है, इसको सिंपल भी बना सकते हैं इस तरह से, जैसे कि आप सरसों का तेल डालें, उसके बाद सरसों का तेल गर्म हुआ, उसके बाद उसमें आप जीरा मिर्चा डाल सकते हैं, और उसके बाद बिना हल्दी का सिर्फ ओनली नमक, और इसको अच्छी तरह से भूने, और इसको खाने में बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही टेस्टी लगता है। आप ज़रूर एक बार ट्राई करें, सिर्फ सरसों का तेल डालें और जीरा मिर्चा डालें, और सिर्फ बंधा गोभी, आलू भी मिश्रित मत कीजिए, आलू भी मिश्रित कर सकते हैं आपको मन हो तो, और उसको अच्छी तरह धोकर डाल दें, और उसको नमक स्वाद अनुसार डाल दें, और उसको अच्छी तरह से भूनें, और उसको अच्छी तरह से भुजिया बनाएं, और अच्छी तरह से भूनें, तो उस खाने में इतना ही टेस्टी लगता है, बोल नहीं सकते, बहुत ही टेस्टी लगता है। और आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करें, सिर्फ सिंपल और सिर्फ नमक के साथ आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी लगता है। अभी हम लोग तो बना रहे हैं मसाले वाले, और इसमें हम लोग हल्दी का ऐड भी कर चुके हैं, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, इसीलिए आप कोशिश करें एक बार ज़रूर ट्राई करें बिना हल्दी वाले सब्जी। आप लोग कभी ट्राई किए हो या ना किए हो, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें, बहुत ही टेस्टी लगता है। अभी हम लोग बना रहे हैं हल्दी और बंधा गोभी और आलू को सब्ज़ी को मिलाकर अच्छी तरह से हल्दी और नमक के साथ हम लोग इसको बना रहे हैं। इसको हम लोग देखिए इसमें दो पीस टमाटर का इस्तेमाल भी किए हैं, आप टमाटर का इस्तेमाल करेंगे तो खाने में अच्छा लगता है। ये देखिए टमाटर का भी हम लोग इस्तेमाल किए हैं, दो पीस डाले हुए, ये देखिए इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर देते हैं इस तरह से, ये देखिए अच्छी तरह से इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिए हैं, और इसको हम लोग अच्छी तरह से इस तरह से मिलाएंगे। और ये देखिए मिर्चा के भी हम लोग डाले हुए हैं, मिर्चा भी देख सकते हैं, मिर्चा भी हम लोग डाले हुए, मिर्चा भी पक रहा है उसके साथ साथ, और जीरा का इस्तेमाल करते हैं जो पाचन तंत्र के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, और जो इसमें आपको गैस बनने का समस्या बहुत ही कम हो जाते हैं, इसीलिए जीरा का इस्तेमाल ज़रूर करें, और हम लोग तो करते ही हैं, आप भी करें। आप इसको मसाला बनाने के लिए जीरा धनिया को अच्छी तरह से भून के भी, और इसमें लहसुन प्याज सारे चीज़ डाल के अच्छी तरह से बनाइएगा तो खाने में और अच्छा लगेगा। अभी हम लोग बिना प्याज का ही बना रहे हैं,
बिना प्याज लहसुन का ही बना रहे खाने, और इसको हम लोग ऐसा ही बना रहे हैं जो खाने में ऐसा ही सिंपल खाना ही बहुत टेस्टी लगता है, ज़्यादा मसालेदार ठीक नहीं लगता है। कभी कभी सिंपल खाना भी खाना चाहिए, मसालेदार खा खा के थोड़ा सा बोर हो चुके थे तो आज सोचा सिंपल खाना सिर्फ नमक हल्दी का ये इस्तेमाल करके ही बनाएंगे। और आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं, और हम लोग थोड़ी देर में बन के रेडी हो जाएगा। और आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर करिए, आप ऐसे ही सपोर्ट करते जाएं और हम लोग आगे बढ़ते जाएं, आप भी आगे बढ़िए और काम करते रहिए। अब हम लोग कल नए वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ कल मिलते हैं।